नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज, खबर नालंदा से है। एक ओर कोरोना वायरस को लेकर पहले से ही लोग आक्रांत हैं, वहीं प्रकृति ने अचानक करवट, या यूं कहें कि अचानक हुई अतिवृष्टि के कारण किसानों के खिले हुए चेहरों के ऊपर मायूसी छा गई है। गौरतलब है कि अभी दलहन, आलू और गेहूं की फसल पूरी तरह से तैयार थी और अब इसे किसानों के द्वारा अब बाजार में बेचने की तैयारी थी, लेकिन इसके पहले ही अचानक हुई बारिश से इन सभी फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। अब अचानक बारिश को लेकर किसान नीतीश कुमार ने बताया कि यह बारिश किसानों के लिए सबसे बड़ा और सबसे बुरा वक्त साबित हुआ है, क्योंकि क्षेत्र में लगे लागत पूंजी इसी समय किसानों की वापस होने की उम्मीद रहती है। इस समय आलू, खरबूज, दलहन, गेहूं की खेती होती है, लेकिन इस बारिश में सभी फसलों को बर्बाद कर दिया है। वह इस मसले पर भारतीय जनता पार्टी के नेता छोटे मुखिया ने कहा कि बेमौसम बरसात से नालंदा जिले के किसान की आर्थिक मेरुदंड टूट चुकी है, जिससे किसान एक भूखमरी के कागार पर ही नहीं बल्कि एक बार फिर आ चुके हैं, क्योंकि किसान चौतरफा मार नहीं झेल पाएंगे। अगर सरकार कोई बड़ा राहत की घोषणा किसानों के लिए नहीं की जाती तो नालंदा किसान दर दर ठोकरे खाने को मजबूर हो जाएंगे। जब किसान का खेती, रोटी, शादी ब्याह रुक जाएगा, खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो निश्चित तौर पर बहुत से किसान आत्महत्या के बारे में भी सोच सकते हैं। देखिए, ये कभी तो हमारे पिताजी के बुजुर्ग के टाइम पर भी लोग कह रहे हैं कि इस तरह से बरसात चैत महीना में नहीं हुआ था, कभी आंधी पानी घंटली। मैं कहूँगा इससे मेरा सबसे ज़्यादा क्षति मेरे गांव के लिए आलू है, और उसके बाद गेहूं में बहुत क्षति हुआ है, सरसों जो कटाई हुआ पड़े हुए उसमें भी क्षति हुआ है, अन्यथा जो आलू कवर का ढेर रखा हुआ है उसमें भी क्षति हुआ है। किसानों के लिए यह सबसे बड़ा बुरी समय है, जो कि मेरा खेत से लागत लगी हुई जो भी पूंजी है इसी समय मेरा वापस होता है, आलू कवरता है, खरबूजा मेरा टोटल, मेरे गांव में टोटल खरबूजा समाप्त हो चुका है, किसान पूरी तरह से बेहाल है। किसान का जो पूंजी आता है इस समय मेरा घाटा चला गया। तब बेमौसम बरसात के कारण नालंदा जिले के किसानों का आर्थिक मेरुदंड टूट चुका है और सारे लोग माने एक भूखमरी के कगार पर नहीं, भीख मांगने के कगार पर आ गए हैं। पहले तो मसूर से लेके सरसों से लेके जो भी पैदा था वो ख़त्म हुआ, और यह जो बारिश कल और आज जो बारिश हुई इसमें गेहूं का फसल भी नष्ट हो गया है। अब किसान चौतरफा मार झेल नहीं पाएगा, अगर सरकार से कोई बड़ा राहत का घोषणा नहीं होगा तो नालंदा का किसान दर दर ठोकरे खाने के लिए मजबूर हो जाएगा। क्या लगता है, किसान आत्महत्या भी कर सकते हैं? ज़रूर आत्महत्या कर सकते हैं, जब उसका खेती, रोटी, जोती, शादी विवाह सारा रुक जाएगा, खाने के लिए वो भूखमरी के कगार पर है, तो निश्चित रूप से बहुत सा किसान आत्महत्या के लिए भी सोचेगा।